नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का टीवी 24 नेटवर्क में। पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कोसी, सीमांचल व भागलपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 56 साल के बाद पहली बार कोसी बराज से इतना ज़्यादा भारी रिकॉर्ड में पानी छोड़े जाने के आसार दिखे हैं, जिसके बाद तटबंधों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। खबर के मुताबिक बाल्मीकि स्थित गंडक बराज से भी काफ़ी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे वहां के निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब हालत को देखते हुए कोसी व गंडक बराज के सभी फाटक कल यानी शनिवार को खोल दिए गए हैं। बिहार में कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में जोरदार इजाफे के बाद वहां के निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाल में नारायणी नदी का डिस्चार्ज 6 लाख क्यूसेक से अधिक पहुंचा, तो बिहार में गंडक का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया। आपको बता दें कि बाल्मीकि स्थित गंडक बराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी शनिवार की सुबह छोड़ा जा चुका है। इधर सुपौल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोसी बराज पर 5,07,690 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। तटबंध के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील माइक के जरिए की जा रही है। अरुण जलाशय विद्युत परियोजना का बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिस कारण से काठमांडू से अन्य प्रदेशों का संपर्क भंग हो चुके हैं, जिससे सभी सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और हवाई सेवा पूर्ण रूप से तत्काल बंद कर दी गई है। इधर पूर्णिया जिले के रुपोली अंचल अधिकारी ने क्षेत्र के निचले इलाके से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मछुआरों को नदी से उतरने में मना किया गया है। लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है, जिसके बाद लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंची वाले जगहों पर जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या बिहार की सरकार बाढ़ पीड़ितों को उबार पाती है इस बाढ़ की परेशानी से, या मौसम अपना रुख बदलता है बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को देखते हुए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।